भाई लोग, आज आपको जल्दी से कैसे क्लैन गेम्स खेल सकते हैं उसके बारे में आज आपको बताएंगे आज, और 2018 में न्यू अपडेट्स के बारे में बताएंगे। नमस्कार भाई लोग, स्वागत है मेरी एक और नए वीडियोस के लिए। तो बिना टाइम फोरे लेट्स बिगिन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया। क्लैन गेम्स को जल्दी से खेलने के लिए आपको बड़ी बड़ी पॉइंट है क्लैन गेम्स का, बड़ी बड़ी पॉइंट को आपको खेलना पड़ेगा। जैसे कि रुकिए थोड़ा सा, ये देखो 600 पॉइंट के लिए है। कलेक्ट टोटल 18 स्टार फ्रॉम ए मल्टीप्लेयर बैटल, मतलब मल्टीप्लेयर बैटल में 18 स्टार करना पड़ेगा। और ये देखो 180 पॉइंट के लिए है। गैदर 300% डिस्ट्रॉय फ्रॉम ए वेरियस बैटल वर्सेस बैटल, मतलब वर्सेस बैटल में 300% डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और दूसरा नियम है, आप एक बहुत ही कम पॉइंट का चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आप उस चैलेंज को खेलने नहीं पाए तो कुछ देर बाद आपको वही चैलेंज दोबारा मिलेगा ज़्यादा पॉइंट के लिए, तो आप उस चैलेंज को दोबारा खेल सकते हैं। मतलब ये देखो ये 100 पॉइंट है। अर्न 5 स्टार फ्रॉम ए भेरियस वर्सेस बैटल इन ए फोर्स स्नेकी आर्चर्स, 100 पॉइंट है। ये स्टार्ट करने के बाद कुछ देर बाद आपको वही, आप जब इस गेम को खेल नहीं पाए तो कुछ देर बाद वही दोबारा मिलेगा। देखो 200 पॉइंट के लिए भी मिल सकते हैं ये दोबारा। तो थर्ड नियम है, आप आसान आसान सी पॉइंट का चैलेंज खेलिए जिसमें पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए कम समय लगता है। जैसे कि ये देखो कलेक्ट 8 स्टार फॉर्म वर्सेस बैटल, मतलब 8 घंटे के लिए 18 स्टार। ये बहुत ही आसान सी चैलेंज है, ये आप खेल लीजिए। तो अब बात आती है इस गेम के अपडेट्स के बारे में। तो हमारा जो सुपर क्लैश ऑफ क्लैन का कंपनी है सुपर सेल, वो कुछ भी आने से पहले ही उसको लीक कर देता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये देखो बटन है उसके हाथ में, बुक ऑफ एवरीथिंग का बुक है जो सुपर सेल ने पहले ही नोटिस किया था पर हम लोगों ने नोटिस नहीं किया। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि सुपर सेल पहले से ही लीक कर देता है। ये देखो ग्रैंड वार्डन के हाथ में बुक ऑफ एवरीथिंग का बुक है जो अभी भी 2017 में आ गई है। 2017 में क्लैन गेम्स को खेलकर ये बुक पाने ही वाली है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2018 में टाउन हॉल 12 का अपडेट मिलेगा, जो देखो उसका भी प्रूफ देख लो। जब हॉग राइडर इवेंट चल रहा था उसमें कि बगल में एक टाउन हॉल 12 भी हो सकती है, एक बिल्डिंग है वो टाउन हॉल 11 नहीं हो सकती क्योंकि टाउन हॉल 11 में ऐसी नहीं होती, बिल्डिंग थोड़ी अलग होती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये टाउन हॉल 12 भी हो सकती है। इस वजह से ही मैं बोल रहा था कि 2018 में टाउन हॉल 12 का अपडेट मिलेगा। तो और एक न्यू सेरेमनी भी आया है फेब्रुअरी में, ये देखो इनमें से ये ट्री देखो, ये ट्री उगाड़ना मत क्योंकि ये ट्री दोबारा आपको नहीं मिल सकता है मेरे ख्याल से। और एक दोस्त का है देखो, उसके पास भी एक नया ट्री था, देखो ये उसका बेस विजिट कर रहा हूँ, टैग लाइन देख लो। तो ये देखो ये ट्री तो ये देखो दो है, एक और दो, जिस अभी तक जिस लोगों के पास ये दोनों ट्री या ट्री नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको प्ले स्टोर में जाकर क्लैश ऑफ क्लैन को अपडेट कर लेना चाहिए। कुछ देर बाद आपको ये दोनों चीज़ें मिलेगा आपकी बेस को। ये देखने भी बहुत मज़े लग रही है क्योंकि ये देखो ये ट्री, जितना आप ट्री को
आएंगे तो उनमें से उतना ही सोना देखो बाहर आ रही है, पड़ रही है ज़मीन पर। तो अभी इतना ही, इस वीडियो को लाइक करना, बहुत सारी शेयर करना और कमेंट में बताना इस वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, सायनारा, टेक केयर एंड गुड बाय।